क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इस डाटे का, और 1912 का बेस लेना है, एक अर्थमेटिक मीन से निकालना है इंडेक्स नंबर, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। तो जैसे हम पिछले सवालों में करते हैं, पहले लिंक रिलेटिव निकालेंगे, पी एन करंट प्राइस, पी नॉट बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या है, 1912 को लेना है। पहली वैल्यू जो हमारे पास है गोल्ड की, वो है 25.3। बेस भी 1912 को लेना है, वो भी 25.3 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100। ऐसे ही बाकी, अब ये क्या मैं बताऊँ बार बार, पिछले सारे सवालों की तरह रिपीट होगा, यानी 1912 वाली वैल्यू से डिवाइड करते जाएँ, मल्टीप्लाई 100 करते जाएँ, ये 121.74, दूसरी 132.01, तीसरी भी, चौथी भी, और 17। ऐसे बाकियों में भी 1912 को बेस लेते जाएं और इसको निकाल लें वैल्यू, ऐसे ही कॉटन वाली निकाल लें, ऐसे ही चलें, ये तीनों आ गई। अब मीन कैसे निकलेगा, मीन आपको पता है अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सारी वैल्यूज को जमा करें और उतनी जितनी वैल्यूज हैं उसे डिवाइड कर दें, तीन वैल्यूज हैं तीनों को ऐड किया, तीन से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 91.597। पहली तो 100 ही आएगी ना, दूसरी जो वैल्यूज हैं, दूसरा कॉलम ये वाला, दूसरा कॉलम ये वाली वैल्यूज, तीनों को ऐड करें, ठीक है, ऐड करके थ्री से डिवाइड करें, 91.597, इस तरह ही आपका मीन आ गया। दूसरा, तीसरा भी तीनों को ऐड करें, तीन से डिवाइड कर दें, तीनों को ऐड करें, ऐड वाले किया करें, फिर तीन से डिवाइड करना है, यानी तीनों को प्लस करके इक्वल का दबाएं, फिर थ्री डिवाइड करें उसके, वैसे डायरेक्ट सारा कुछ लिख दें तो मल्टीप्लाई, यानी आंसर गलत आता है आपका। तीनों को ऐड करें, थ्री से डिवाइड करें, मीन के वैल्यू, तीनों को ऐड करें, ये आपके मीन के तरीके से इंडेक्स नंबर फाइंड हो गया, ठीक है। पहली 100 है, 91.597, 82.11 वगैरह, तीसरा नेक्स्ट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के तरीके से निकालना है, जितनी वैल्यूज हों उतनी बाहर और सारी वैल्यूज के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये कैसे लिया जाता है ये देखें, यहाँ से आप पहले 3 दबाएंगे, ठीक है, नज़र आ जाएगी, चलिए नज़र आ रहा है, हाँ जी शाबाश। फिर यहाँ से ये आपको उल्टा वी नज़र आ रहा है, शिफ्ट दबा के उल्टा वी, और फिर ब्रैकेट, तीन वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई कर दें तीनों को, ब्रैकेट बंद, ये इस तरह ज्योमेट्रिक में निकाल लेने, बाकी भी आपने। तो पहला मैंने निकाल दिया था, इसी तरह मैंने दूसरा भी निकाल दिया है, 89.06, तो बाकी आप देख लें, इसी तरह आप निकाल लें, ठीक है, 68.48, 69.24, 109.73 और 107.65, तो पिछले सवालों की तरह ही था, आप इसको देख लें।